नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दरभंगा में टीचर बना हैवान, दो बच्चों को बेरहमी से पीटा। कांग्रेस के पास ही रहेगा विधानसभा अध्यक्ष, अगस्त में दूर होगी टीके की किल्लत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। बिहार के दरभंगा से एक मामला सामने आया है, जहां 8 वर्षीय बालिका को उसके टीचर ने बेरहमी से पीटा। 8 साल की अलीशा अपने शरीर पर बड़ी मार के निशान दिखाते हुए भी सहम जाती है। अलीशा एक निजी कोचिंग क्लास में पढ़ती है, जहां टीचर ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। सिर्फ इसलिए ही उसे पढ़ाया गया एक सबक याद नहीं था। विरोल प्रखंड के अकबरपुर बैंक गांव में ये कोचिंग सेंटर कारी मुदस्सिर नाम का टीचर चलाता है। आरोप है कि टीचर ने बच्ची को कमरे में बंद करके उसे बुरी तरह पीटा। बच्ची अब भी डरी हुई है और ठीक से बात तक नहीं कर पा रही है। अलीशा के पिता ने थाने में टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 10 साल के आसिफ की भी यही कहानी है, वो भी उसी कोचिंग में पढ़ता है और टीचर कारी मुदस्सिर ने उसकी भी इतनी बेरहमी से पिटाई की कि शरीर पर निशान पड़ गए। दोनों बच्चों को टीचर ने ये भी कहा कि अगर पिटाई की बात घर में बताई तो उनका और बुरा हाल करेगा। बच्चों ने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा, पर जब घर में माँ ने कपड़े बदले तो शरीर पर पड़े निशानों ने सब कुछ कह दिया। टीचर की करतूत के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, वही आरोपी फरार हो गया। मारपीट के अलावा अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर ये टीचर कोचिंग क्लास कैसे चला रहा था और माता पिता भी बच्चों को उनके पास क्यों भेज रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दूसरी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस के पास ही रहेगा और इस पद को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार में कोई विवाद नहीं है। यह दावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एच के पाटिल ने किया। पाटिल ने स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ मुंबई में बैठक की। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर सरकार के अंदर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार में हुए तय फार्मूले के मुताबिक यह पद कांग्रेस के पास ही रहेगा। पाटिल ने कहा कि एनसीपी और शिवसेना ने भी इस बारे में स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण विधान मंडल के मानसून सत्र में यह चुनाव नहीं कराया जा सका, लेकिन यह चुनाव जल्द होगा। तीसरी खबर, देश में 21 जून से बड़े स्तर पर कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का अभियान चल रहा है। अब तक भारत में लोगों को कोरोना वैक्सीन की 38 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है, लेकिन इस वक्त वैक्सीन की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। इसके कारण कई शहरों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगस्त से देश में टीकाकरण की यह रफ्तार तेज होगी, क्योंकि अगले महीने से भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा देश में ही निर्मित स्पुतनिक वी, बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन और जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी उपलब्ध होने की संभावना है। इससे रोजाना लोगों को 80 से 90 लाख डोज दिए जा सकेंगे। हालांकि स्पुतनिक वैक्सीन अब भी उपलब्ध है, लेकिन इसकी मात्रा कम है। भारत में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी है कि जुलाई में देश में वैक्सीन की करीब 12 करोड़ डोज उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन शामिल होंगी। वही अगस्त और सितम्बर से इन दोनों वैक्सीन का उत्पादन भी बढ़ने की पूरी संभावना है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।